ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जाय मुदीरये नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवती नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। नमो पंकजनाभाय नमो पंकजमालिने नमो पंकजनेत्राय नमस्ते पंकजांग्रये। हरे कृष्ण। तो श्रील प्रभुपाद के असीम कृपा से आज हम भागवतम का तीसरा स्कंद थर्ड कैंटो प्रारंभ कर रहे हैं। तो ये तीसरे स्कंद का पहला अध्याय है क्वेश्चंस बाय विदुरा, महात्मा विदुर के द्वारा प्रश्न। तो ये तीसरा स्कंद शुरू करने से पहले हम दूसरा स्कंद का अंतिम भाग देखेंगे और ये समझेंगे कि दूसरा स्कंद और तीसरे स्कंद में कनेक्शन क्या है। तो दूसरा स्कंद भागवतम का लास्ट चैप्टर 10वां अध्याय समाप्त होती है टेक्स्ट 48, 49, 50 एंड 51। तो यहां पे शौनक आदि ऋषि, सो मैं दूसरे स्कंद के अंतिम भाग से पढ़ रहा हूं। तो शौनक आदि ऋषि सृष्टि का निर्माण सुनते हैं सुत गोस्वामी से। तो हमने देखा कि दूसरा स्कंद भागवतम का काफी टेक्निकल स्कंद था, तो उसमें सृष्टि का जो निर्माण है, सर्ग है, प्राइमरी क्रिएशन का वर्णन है। तो पूरा सृष्टि का निर्माण सुनने के बाद शौनकादि ऋषि सुत गोस्वामी को पूछते हैं, आप विदुर के बारे में बताइए, क्योंकि सुत गोस्वामी ने थोड़ा बहुत विदुर के बारे में बताया था, कैसे विदुर अपना घर छोड़ते हैं, अपने रिश्तेदारों को छोड़ते हैं। तो अभी शौनकादि ऋषि और विस्तार से सुनना चाहते हैं। तो भागवतम एक इंस्पिरेशनल फ्लो है, एक प्रश्न से शुरू होता है, उसका उत्तर देते देते कभी स्पीकर ही गेट जस्ट कैरिड अवे, तो वापस जो सुन रहे हैं वो वापस टॉपिक पे लाते हैं। तो कभी कभी भागवतम में एक दो विषय को छूते हैं और अलग एक डायरेक्शन में चला जाता है, फिर से रिमाइंडर चाहिए रहता है। तो वैसे ही शौनकादि ऋषि सुत गोस्वामी को बोलते हैं, आपने पहले बताया था विदुर के बारे में कि विदुर घर छोड़ते हैं, जो घर छोड़ना बहुत मुश्किल है, और विदुर महल में रहते थे, उन्होंने हस्तिनापुर का महल छोड़ दिया और तीर्थ यात्रा पे भ्रमण करने लगे। तो अभी पूछते हैं दूसरे स्कंद के अंत में, हमको विदुर के बारे में ज्यादा सुनना है, विदुर और मैत्रेय ऋषि मिले थे, विदुर ने मैत्रेय ऋषि को क्या क्या प्रश्न पूछा, मैत्रेय ऋषि ने क्या उत्तर दिया, और विदुर घर छोड़ने के बाद, हस्तिनापुर छोड़ने के बाद वापस क्यों आए हस्तिनापुर, वो भी हम सुनना चाहते हैं। सो भागवतम का ये दूसरा स्कंद का अंतिम श्लोक है, श्री सुत गोस्वामी एक्सप्लेन्ड, आई शैल नाउ एक्सप्लेन टू यू द वेरी सब्जेक्ट्स एक्सप्लेन्ड बाय द ग्रेट सेज इन आंसर टू महाराज परीक्षित इंक्वायरीज, प्लीज हियर देम अटेंटिवली। तो ये परंपरा मार्ग है, शौनकादि ऋषि सुत गोस्वामी को पूछते हैं, हमको विदुर और मैत्रेय के बीच में जो संवाद है उसके बारे में सुनना है,
विदुर का यात्रा कैसा हुआ, किन किन से मिले, उसके बारे में सुनना है। तो सुतो गोस्वामी उत्तर देते हुए बताते हैं, मैं आपके प्रश्नों का उत्तर दूंगा, पर सुखदेव गोस्वामी और परीक्षित महाराज का कन्वर्सेशन कोट करके। तो भागवतम में अलग अलग सीन्स होते हैं, साइमल्टेनियसली अलग अलग सीन्स शिफ्ट होते हैं। एक सीन है शौनकादि ऋषि नैमिषारण्य में सुत गोस्वामी से पूछ रहे हैं, और सुत गोस्वामी, ये एक वार्तालाप चल रहा है शौनकादि ऋषि का और सुत गोस्वामी का। सुत गोस्वामी अपने गुरु के बारे में बताते हैं, उनके गुरु कौन है, सुखदेव गोस्वामी। परीक्षित और सुखदेव के बीच में जो संवाद हुआ था उसका वर्णन करते हैं, और परीक्षित जब सुखदेव गोस्वामी को प्रश्न पूछते हैं, सुखदेव गोस्वामी और संतों को कोट करते हैं, ठीक है, आपने ऐसा प्रश्न पूछा था, ऐसे ही प्रश्न विदुर ने मैत्रेय को पूछा था, अभी मैं वो संवाद के बारे में बताऊंगा। तो इसलिए ये दूसरा स्कंद समाप्त होता है। सुत गोस्वामी बताते हैं शौनकादि ऋषि को, मैं आपके प्रश्नों का उत्तर दूंगा, पर परीक्षित और सुखदेव गोस्वामी का कन्वर्सेशन, क्योंकि आप जो प्रश्न पूछ रहे हैं वैसा ही प्रश्न परीक्षित ने सुखदेव गोस्वामी को पूछा था। तो ये बोल के दूसरा स्कंद समाप्त होता है। सो नाउ वी आर स्टार्टिंग द थर्ड कैंटो। तो ये तीसरा स्कंद है भागवतम का, स्टेटस को, चैप्टर 1, क्वेश्चंस बाय विदुर, विदुर द्वारा प्रश्न, टेक्स्ट 1। श्री शुक उवाच एवं एतत् पुरा पृष्टो मैत्रेयो भगवान किल शत्रावनम प्रविष्टेन त्यक्त्वा स्वग्रहं दद्मिमत्। वट वट श्री शुक उवाच, श्री सुखदेव गोस्वामी सेड, एवं तस, एतत, दिस, पुरा, फॉर्मली, पृष्ठ, बीइंग आस्क्ड, मैत्रेय, द ग्रेट सेज मैत्रेय, भगवान, हिज ग्रेस, किल, सर्टनली, शत्रा, बाय विदुर, वनम, फॉरेस्ट, प्रविष्टेन, एंटरिंग, त्यक्त्वा, रिनाउंसिंग, स्वग्रहन, ओन हाउस, रिद्धिमत, prosperous। Translation: Sukhdev Goswami said, after renouncing his prosperous home and entering the forest, King Vidura, the great devotee, asked this question to His Grace Maitreya Rishi। तो अभी जैसे मैं बता रहा था, यह परंपरा मार्ग है। शौनकादि सुत गोस्वामी शौनकादि ऋषि का प्रश्नों का उत्तर देते हुए सुखदेव गोस्वामी और परीक्षित के संवाद के बारे में बताते हैं। तो यहां पे सुखदेव गोस्वामी परीक्षित को बताते हैं, मैं अभी आपको बताऊंगा विदुर जी ने मैत्रेय ऋषि को कौन से प्रश्न पूछे। तो यहां पे वर्णन है, हिस ग्रेस मैत्रेय ऋषि, मैत्रेयो भगवान किला, भगवान का जनरल अर्थ है पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान, कृष्ण को लागू होता है, श्री भगवान वाच। पर बहुत बार भगवान के भक्तों को भी, महान भक्तों को भी भगवान करके संबोधित किया जाता है, जैसे नारद मुनि को कभी कभी भगवान, शिव जी को कभी कभी भगवान बोला जाता है, और यहां पे मैत्रेय ऋषि को मैत्रेयो भगवान किला। तो विदुर जी जो महान संत हैं और एक संत से मिलते हैं। तो कृष्ण गीता में बताते हैं, मच्चित्त मद्गत प्राण बोधयंत परस्परम कथयंतश्च माम नित्यम तुष्यन्ति च रमन्ति च। तो भक्तों का कर्तव्य है दूसरे भक्तों से मिलके कृष्ण के बारे में चर्चा करना। तो कल ही हम डिस्कस कर रहे थे श्ल प्रभुपाद नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन के दूसरे श्लोक के तात्पर्य में बताते हैं, भक्ति में प्रजल्प एक बहुत बड़ा बाधा है, फालतू की बातें करते रहना। तो इसलिए हमारा जो जिह्वा है, टंग है, और जो कान है, उसका उपयोग क्या है, भगवान के बारे में बोलना और भगवान के बारे में सुनना। तो ये साधु का लक्षण है, भक्त सनिवास। प्रभुपाद बताते हैं, नरोत्तम दास ठाकुर उनके गीत में बोलते हैं, भक्त मतलब दूसरे भक्तों के संग में रहता है,
दूसरे भक्तों का संग पाने के लिए उसके अंदर लौल्यता होती है, ग्रीड होता है। तो यहां पे मैत्रेय ऋषि भी महान भक्त हैं, ग्रेट सोल। तो कृष्ण मैत्रेय ऋषि सॉरी विदुर से इतना प्रेम करते थे, विदुर जी महान संत हैं, कृष्ण विदुर से इतना प्रेम करते थे, पर विदुर जाते हैं वन में किससे मिलने के लिए, मैत्रेय ऋषि से मिलने के लिए। तो यहां पे वर्णन है रिनाउंसिंग इस प्रॉस्परस होम। तो घर को छोड़ना इतना आसान नहीं होता, हर एक व्यक्ति को अपने घर के प्रति आसक्ति होती है, छोटे से घर के प्रति, एक 1 BHK 2 BHK फ्लैट है उसके प्रति आसक्ति होती है लोगों को। विदुर जी का घर क्या था, महल था। अपने महल को छोड़ के, महल जितना भी प्रसिद्धि है, जितना भी ऐश्वर्य है, जितना भी रिकग्निशन है, वो सब छोड़ के विदुर जी वन जाते हैं। और उनके अंदर बिल्कुल ये भावना नहीं था, अरे मैं इतना बड़ा मेरा कंफर्ट छोड़ के जा रहा हूं, नहीं। परम दृष्टवान निवर्तते। तो अगर किसी को वैराग्य की जिंदगी में प्रवेश करना है, वनम प्रविष्टेन, वन में प्रवेश करना है, वृंदावन ये जो वन है, या भगवान की भक्ति में प्रवेश करना है वैराग्य के मार्ग में, तो सबसे इंपॉर्टेंट है कृष्ण के प्रति आसक्ति प्राप्त करना। प्रभुपाद लिखते हैं भगवद्गीता में, डिटैचमेंट फ्रॉम माया एंड अटैचमेंट टू कृष्णा आर बोथ द सेम। माया से विरक्ति तभी होगा जब कृष्ण के प्रति आसक्ति होगा। और कृष्ण के प्रति आसक्ति कब होगा, मत चित्त मद्गत प्राण बोधयंत परस्परम। तो कृष्ण के प्रति आसक्ति प्राप्त करने के लिए साधुओं के संग में आना पड़ेगा। साधु संग सर्वशास्त्र कहे, लव मात्र साधु संग सर्व सिद्धि होए। तो कृष्ण के प्रति आसक्ति प्राप्त करने का एक ही तरीका है, साधुओं का संग। और ऐसा नहीं कि सिर्फ कनिष्ठ भक्त करते हैं। यहां पे देखिए विदुर जो भगवान के इतने महान संत भक्त हैं, वो भी मैत्रेय ऋषि के पास जाते हैं और मैत्रेय ऋषि को प्रश्न पूछ रहे। ये देखिए विदुर जी की नम्रता। तो ये तरीका है, कृष्ण गीता में बोलते हैं, तत्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस तत्व दर्शन। तो ये दिस इज लाइक अ प्रिंसिपल। तो थोड़े दिन पहले कोई भक्त मुझे पूछ रहे थे, वैष्णव को तो सीधा, जो महान वैष्णव है वो सीधा कृष्ण के पास जाते हैं, उनको बाकी गुरु के पास जाके आश्रय लेने की क्या जरूरत है, दिस इज अ प्रिंसिपल। हालांकि विदुर का कनेक्शन सीधा कृष्ण के साथ था, फिर भी विदुर मैत्रेय ऋषि के पास जाके बहुत नम्रता से प्रश्न पूछ रहे हैं, वेरी वेरी हम्बल। कल हम हनुमान जी का चरित्र डिस्कस कर रहे थे कि कैसे हनुमान जी कौन है, भगवान के इंटरनल एसोसिएट, इतने महान भक्त हैं, पर हनुमान जी भी सूर्यदेव के पास जाते हैं शिक्षण प्राप्त करने के लिए बहुत नम्रता से। तो ये जब हम भागवतम पढ़ते हैं, इन भक्तों से हमको सीखना है, महाजनों ये न गत सपंत। तो हमारा तरीका है कि महाजन के पच्चीनों पे जाके सीखना। तो विदुर जी इतने महान भक्त होते हुए भी मैत्रेय ऋषि के पास जाके बहुत नम्रता से प्रश्न पूछ रहे हैं। टेक्स्ट 2, यद्वा अयम मंत्र कृत्वो भगवान अखिलेश्वर पौरवेन्द्रम गृहम हित्वा प्रविवेशास्मसात्कृतम। व्हाट व्हाट यत द हाउस वाई व्हाट एल्स इज देयर टू से अयम श्री कृष्ण मंत्रकृत मिनिस्टर वह यू पीपल भगवान द पर्सनालिटी ऑफ गॉड इट अकिल ईश्वर द लॉर्ड ऑफ एवरीथिंग पौरवेंद्र दुर्योधन गृहन हाउस हित्वा गिविंग अप प्रविशेष एंटर्ड आत्मसात आइडेंटिफाई विथ वन सेल्फ कृतम सो एक्सेप्टेड। तो ट्रांसलेशन इस प्रकार है, व्हाट एल्स इज देयर टू से अबाउट द रेजिडेंशियल हाउस ऑफ द पांडवस श्री कृष्ण द लॉर्ड ऑफ एवरीथिंग एक्टेड एज योर ओन मिनिस्टर
ही यूज टू एंटर दैट हाउस एज इफ इट वर इज होन एंड ही डिड नॉट टेक एनी केयर ऑफ दुर्योधन हाउस. तो यहां पे सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज और पांडवों का गुणगान कर रहे हैं. वो बोल रहे हैं कि पांडवों के घर के बारे में क्या बोलना, वॉट इज देयर अबाउट टू से अबाउट द रेजिडेंशियल हाउस ऑफ द पांडवस. तो पांडव हालांकि गृहस्थ थे पर इतने महान भक्त थे, भगवान स्वयं रहते थे वहां पे. तो यहां पे सुखदेव गोस्वामी बताते हैं भगवान श्री कृष्ण जो सबके नाथ हैं, अखिल ईश्वर पूरे दुनिया के सम्राट हैं, पूरे दुनिया के स्वामी हैं, भगवान श्री कृष्ण पांडवों के घर में ऐसा प्रवेश करते थे कि उनका स्वयं का घर है. पांडवों का घर को उनका स्वयं का घर मानते थे पर उन्होंने कभी दुर्योधन के घर में कभी प्रवेश नहीं किया. तो सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज और पांडवों का गुणगान कर रहे हैं, हम रहेंगे वैरागी के मार्ग में पर आप लोग भी कम नहीं है, भगवान श्री कृष्ण आपके घर में ही रहते थे. इसलिए भागवतम के आगे स्कंद में वर्णन आता है कि नारद मुनि महान महान संत हस्तिनापुर आते थे पांडवों का संग प्राप्त करने के लिए. तो वही हम चर्चा कर रहे हैं कि कैसे साधुओं का संग बहुत इंपॉर्टेंट है. और साधु का यह मतलब नहीं है कि सिर्फ जो वैराग्य की जिंदगी में है वही साधु है, जो भगवान की भक्ति कर रहा है वो साधु है. गृहस्थ हो, सन्यासी हो, ब्रह्मचारी हो, ऐसा व्यक्ति साधु है. और ऐसे साधुओं के का संग लेने के लिए हर एक व्यक्ति तत्पर होना चाहिए. तो यहां पे विदुर जी मैत्रेय ऋषि का संग लेना चाहते हैं और पांडवों के घर में महान संत नारद मुनि इत्यादि आते हैं पांडवों का संग लेने के लिए. तो इस तरह से सुखदेव गोस्वामी पांडवों का गुणगान कर रहे हैं और परीक्षित महाराज को बोल रहे हैं आपका भाग्य इतना है, वो घर में आपका जन्म हुआ है. परपोर्ट, अकॉर्डिंग टू द गौड़ीय अचिंत्य भेद अभेद तत्व फिलोसॉफी एक्ट एनीथिंग विच सैटिस्फाइज द सेंसेस ऑफ द सुप्रीम लॉर्ड श्री कृष्णा इज ऑल्सो श्री कृष्णा. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट सिद्धांत है प्रभुपाद का, हर एक लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है. तो हमारा गौड़ीय वैष्णव का फिलॉसफी है अचिंत्य भेद अभेद तत्व, दिस इज द फिलॉसफी. हमारे पूरे संप्रदाय का ये फिलॉसफी है. इसका मतलब क्या है? साइमल्टेनियस वननेस एंड डिफरेंस. इसका मतलब है एक ही साथ भगवान से भिन्नता और अभिन्नता. तो प्रभुपाद बताते हैं ये हमारा सिद्धांत है कि कृष्ण के संबंध में जो भी चीज रहेगा वो भी कृष्णमयी बन जाता है. जैसे है एक लोहा है, लोहे को आप आग के संपर्क में रखोगे ज्यादा देर तक वो लोहा भी आग की तरह बन जाएगा, लाल बनेगा, तपेगा. तो वैसे ही कृष्ण सूर्य समक, कृष्ण वो आग की तरह है. जो भी कृष्ण के संबंध में आता है वो भी स्पिरिचुअलाइज्ड हो जाता है, कृष्णाइज्ड हो जाता है. इसलिए जब हम फूल अर्पण करते हैं भगवान को, जब तक फूल चढ़ता नहीं है, साधारण फूल है, एक बार चढ़ गया भगवान के चरण कमल पे वो फूल भी दिव्य हो जाता है, उसके बाद उसको सम्मान करना पड़ता है. जब हम भोग लगाते हैं, भोग तो साधारण सामग्री है पर जब भगवान को अर्पित होके आता है, अंदर जब ऑल्टर में जाता है नॉर्मल खाना है, ऑल्टर से जब बाहर आता है उसको सम्मान दिया जाता है. क्यों? क्योंकि प्रसाद, कृष्ण का संपर्क हुआ है वो चीज से. इसलिए यहां पे सुखदेव गोस्वामी किसका गुणगान कर रहे हैं? कृष्ण का गुणगान नहीं कर रहे. सुखदेव गोस्वामी किसका गुणगान कर रहे हैं? पांडवों के घर का गुणगान कर रहे हैं. कितना अद्भुत महल है, कितना अद्भुत घर है पांडवों का, जहां पे कृष्ण प्रवेश करते थे, ये घर के बारे में क्या बोलना. तो सुखदेव गोस्वामी वैरागी हैं पर गुणगान किसका कर रहे हैं? एक गृहस्थ के महल का. क्यों? क्योंकि इसका संपर्क हुआ है कृष्ण से. देखिए जब हम महाभारत पढ़ते हैं, कुरुक्षेत्र का रणभूमि, रणभूमि जो है दिव्य जगह नहीं होता. रणभूमि में लोग मारे जाते हैं, खून बहता है, इट्स नॉट अ वेरी स्पिरिचुअल प्लेस.
पर हम यात्रा जाते हैं कुरुक्षेत्र में। कुरुक्षेत्र तो रणभूमि है, महाभारत का युद्ध हुआ था। तो तीर्थ स्थान कैसा हुआ? इतने सारे लोग मर गए वहां पे, इतना रक्त बहा वहां पे, तीर्थ स्थान कैसा हुआ? क्योंकि ये साधारण रणभूमि नहीं है, कृष्ण स्वयं वहां पे उपस्थित थे। बाकी बैटलफील्ड और ये बैटलफील्ड में बहुत फर्क है, क्योंकि यहां पे कृष्ण है। तो जहां पे कृष्ण आ जाते हैं वो सब स्पिरिचुअलाइज हो जाता है, वो जगह को धाम बोलते हैं। तो प्रभुपाद आगे लिखते हैं, फॉर एग्जाम्पल श्री वृंदावन धाम इज नॉन डिफरेंट फ्रॉम श्री कृष्णा, तद्धाम वृंदावनम, बिकॉज एट वृंदावन द लॉर्ड एंजॉयज द ट्रांसेंडेंटल ब्लिस ऑफ हिज इंटरनल पोटेंसी। इसलिए भगवान का जो धाम है श्री वृंदावन धाम, ये भगवान से अभिन्न है। तो जितना हम सम्मान भगवान को देते हैं उतना सम्मान हम भगवान के धाम को देते हैं। तद्धाम वृंदावनम, ये भगवान का स्वयं का धाम है, भगवान के अंतरूनी शक्ति से अभिन्न है। सिमिलरली द हाउस ऑफ द पांडवस वॉज ऑल्सो द सोर्स ऑफ ट्रांसेंडेंटल ब्लिस फॉर द लॉर्ड। तो वैसे ही यहां पे सुखदेव गोस्वामी पांडवों के घर का गुणगान कर रहे हैं। पांडवों का घर भी वृंदावन से अभिन्न था, क्योंकि वृंदावन क्या है, जहां पे कृष्ण है वहां पे वृंदावन है। इस्कॉन का जो मंदिर है ये वृंदावन से अभिन्न है, क्योंकि कृष्ण है वहां पे, कृष्ण की सेवा, कृष्ण का कीर्तन चल रहा है। तो श्रील प्रभुपाद ने वृंदावन जाके अलग अलग जगह पे रेप्लिकेट किया है, और हर व्यक्ति को प्रयास करना चाहिए स्वयं का घर वृंदावन बनाने के लिए। तो ऐसा जो घर भी पूजनीय है, जो घर में भगवान की सेवा होती है, भक्त रहते हैं, दैट प्लेस ऑल्सो बिकम्स होली, पूजनीय जगह हो जाता है। इसलिए यहां पे सुखदेव गोस्वामी गुणगान कर रहे हैं पांडवों के महल का। जैसे भक्ति विनोद ठाकुर उनका गीत है शुद्ध भक्त चरण रेणु, तो बोलते हैं जे दिने गृहे भजन देखी गृहे ते गोलोक भाया। तो बोलते हैं जिस दिन मैं अपने घर में आता हूं और घर में संकीर्तन देखता हूं, मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि मेरा घर गोलोक वृंदावन बन गया। तो ये सिद्धांत, ये भागवतम का सिद्धांत है, पांडवों का घर, पांडवों का महल वृंदावन बन गया, क्योंकि कृष्ण निरंतर थे वहां पे। इट इज मेंशन्ड हियर दैट द लॉर्ड आइडेंटिफाइड द हाउस विथ हिज ओन सेल्फ। तो यहां पे वर्णन है पांडवों के महल का क्या बोलना। तो सुखदेव गोस्वामी इतने भाव में आ गए हैं पांडवों के महल के बारे में सोचते हुए। पांडवों का भाग्य छोड़ो, पांडवों के महल का भाग्य देखो, भगवान कृष्ण ने वो महल को स्वयं का घर समझ लिया, एज हिज ओन सेल्फ, ये महल मेरे से अभिन्न है। थस द हाउस ऑफ द पांडवस वॉज एज गुड एज वृंदावन, एंड विदुरा शुड नॉट हैव गिवन अप दैट प्लेस ऑफ ट्रांसेंडेंटल ब्लिस। तो पांडवों का घर क्या है? तो पर बोल रहे वृंदावन, साक्षात वृंदावन है पांडवों का घर, क्योंकि वहां पे कृष्ण थे। और सुखदेव गोस्वामी सोच रहे हैं अरे विदुर जी ने त्यागा तो किसको त्यागा, वृंदावन छोड़ के आ गया, पांडवों का महल तो वृंदावन है। तो विदुर जी इतना सुंदर वातावरण, ट्रांसेंडेंटल ब्लिस, हमेशा आनंद में थे पांडव कृष्ण की सेवा में, वो जगह छोड़ के क्यों आए? देयरफोर द रीजन फॉर हिज क्विटिंग द हाउस वॉज नॉट एग्जैक्टली फैमिली मिसअंडरस्टैंडिंग, रादर विदुरा टुक द अपॉर्चुनिटी टू मीट ऋषि मैत्रेय एंड डिस्कस ट्रांसेंडेंटल नॉलेज। तो विदुर जी घर छोड़ के आते हैं, महल छोड़ के, आगे जाके वर्णन आएगा कि कैसे दुर्योधन इतना बुरा शब्द बोलता है विदुर को, बोलता है आप तो शूद्र के पुत्र हो, आप हमारे घर में नौकर हो, कुत्ते के समान हो, इतना बुरा शब्द दुर्योधन बोलता है विदुर को, और विदुर को बुरा लगता है, वो छोड़ के निकलते हैं। पर एक्चुअली प्रॉपर यहां पे लिख रहे हैं उसके वजह से विदुर जी निकलते नहीं है घर से, क्योंकि विदुर जी महान संत हैं, मात्र स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुख द आगमा आपाइनो अनित्यस ताम तितिक्षस भारत। जो महान भक्त हैं टॉलरेट करते हैं, पेट से ज्यादा सहनशील है। तो विदुर जी को वो कारण नहीं था दुर्योधन ने बुरा शब्द बोला इसलिए चले गए, मेन कारण था मैत्रेय ऋषि से मिलके वार्तालाप करना।
टू हैव ट्रांसेंडेंटल नॉलेज, डिस्कशन कृष्ण के बारे में सुनने के लिए, भक्तों से मिलने के लिए वो निकलते हैं। इसलिए जब पांडव भी वन जाते हैं 13 साल, उनको जब वन भेजा जाता है, पांडव बहुत खुश हो जाते हैं, क्योंकि उनको लगता है अरे 13 साल हमको साधुओं का संग मिलेगा वन में। जब भगवान राम को भेजा गया वनवास 14 साल के लिए, भगवान राम बहुत प्रसन्न हो गए कि यही मैं चाहता था, साधुओं के संग में मैं रहूंगा, भगवान का भी इच्छा है। तो इसलिए मैत्रेय ऋषि जाते हैं, सॉरी विदुर जाते हैं मैत्रेय ऋषि का संग प्राप्त करने के लिए। फॉर ए सेंटली पर्सन लाइक विदुर, एनी डिस्टर्बेंस ड्यू टू वर्ल्डली अफेयर्स इज इनसिग्निफिकेंट। तो विदुर जी जैसे महान संतों के लिए ये भौतिक दुनिया का उतल पुतल, जो अलग अलग कुंट है, मिजरीज है, इनसिग्निफिकेंट है, उनको कुछ फर्क नहीं पड़ता। कोई कुछ भी बोले उनको फर्क नहीं पड़ता। सच डिस्टर्बेंसेस हाउएवर आर समटाइम्स फेवरेबल फॉर हायर रियलाइजेशन एंड देयरफॉर विदुर टुक एडवांटेज ऑफ अ फैमिली मिसअंडरस्टैंडिंग इन ऑर्डर टू मीट मैत्रेय ऋषि। तो ये भागवतम का विचार है। भागवतम का विचार क्या है? जब हमारे जिंदगी में अड़चन आते हैं, जब हमारे जिंदगी में कष्ट आते हैं, डिस्टर्बेंस पीड़ा आती है, प्रभुपाद यहां पर लिख रहे हैं आर फेवरेबल फॉर हायर रियलाइजेशन। तो हमको समझना चाहिए बहुत अच्छा हो गया, क्योंकि ये सही अवसर है भगवान का आश्रय लेने का और भक्तों का आश्रय लेने का। क्योंकि जब तक जिंदगी में फर्स्ट क्लास सब चल रहा है, भगवान का कौन याद करता है? ये याद भी करते हैं, कितने भाव से हम याद करते हैं। इसलिए जब कष्ट आते हैं हमको लगना चाहिए भगवान का बहुत कृपा है। जब जिंदगी में अच्छा चल रहा है भगवान का कृपा है, जब कष्ट आते हैं हमको लगना चाहिए भगवान का असीम कृपा है। हरिषे तद्दनम शनै, यस्याहम अनुगृणामि हरिषे तद्दनम शनै। भगवान कृष्ण उद्धव जी को बताते हैं, जब मैं किसी पे बहुत कृपा करता हूं उसका सब कुछ छीन लेता हूं। तो अभी विदुर, भगवान ऑलरेडी कृपा कर रहे थे विदुर के ऊपर, अभी स्पेशल कृपा है, स्पेशल मर्सी। दुर्योधन ने कठोर शब्द बोल दिया, विदुर बोले ठीक है, लेट मी टेक एडवांटेज, ये जो अवसर है उसका मैं फायदा लेता हूं और जाके मैत्रेय ऋषि से मिलके आता हूं, उनसे थोड़ा वार्तालाप करके आता हूं। विल रीड वन मोर श्लोक फॉर टुडे, टेक्स्ट 3। राजोवाच, कुत्र कुत्र शत्रुर्भगवता मैत्रेयानास संगम कदा वा सह संवाद एतत् वर्णयन प्रभो। वर्ड टू वर्ड राजोवाच, द किंग सेड, कुत्र वेर इन शत्रु विथ विदुर भगवता विथ हिज ग्रेस मैत्रेयेन विथ मैत्रेय आस देर वॉज संगम मीटिंग कदा वेन वा ऑल्सो सह विथ संवाद डिस्कशन एतत् दिस वर्णय डिस्क्राइब नह अंटू मी प्रभो ओ माई लॉर्ड। ट्रांसलेशन, द किंग आ शुकदेव गोस्वामी, वेर एंड वेन डिड द मीटिंग एंड डिस्कशन टेक प्लेस बिटवीन सेंट विदुर एंड हिज ग्रेस मैत्रेय मुनि, काइंडली ओब्लाइज मी माई लॉर्ड एंड डिस्क्राइब दिस टू अस। तो शुकदेव गोस्वामी परीक्षित का गुणगान कर रहे हैं कि आप लोगों का भाग्य है कि आपके महल में कृष्ण रहते थे। तो यहां पे परीक्षित महाराज शुकदेव गोस्वामी को एड्रेस करते हैं, प्रभु माई डियर मास्टर, मेरे स्वामी आप मुझे ये बताइए कहां पे और कब मैत्रेय ऋषि और विदुर जी मिलते हैं, तो और कहां पे और क्या उनके बीच में संवाद होती है। हमारे हम सब ने हिस्ट्री पढ़ा है कि नहीं? स्कूल में एक सब्जेक्ट होता है हिस्ट्री करके, इतिहास। तो हिस्ट्री में ये बहुत कॉमन क्वेश्चंस होते हैं, व्हेन एंड वेयर, कौन से साल में ये घटना हुआ, जलियांवाला बाग कौन से साल में घटा, ये कब हुआ, ब्रिटिश कब आए इंडिया, इसका कब मृत्यु हुआ, हिस्ट्री में होता है। मुझे याद है हम सब ने इतना पाठ किया था डेट्स, ये डेट पे ये हुआ, फलाना जगह पे ये हुआ, राइट।
तो ये सब ठीक है, ये डेट्स वगैरह याद करके और ये स्थान याद करके अच्छा है, थोड़ा फायदा होगा बट बहुत ज्यादा फायदा नहीं होगा। इसलिए हमको अगर डेट्स याद करना है कब कहां और क्या भगवान के बारे में और भगवान के भक्तों के बारे में पूछना चाहिए। कृष्ण का जन्म कब हुआ, कहां पे हुआ, भक्तों का जन्म कब हुआ, कहां पे हुआ, तो ये प्रश्न पूछ के भक्ति में प्रगति होगा। इसलिए प्रभुपाद बताते हैं प्रश्नोत्तर तो हर व्यक्ति करता है, तो यहां पे परीक्षित भी कर रहे हैं और बाकी लोग भी प्रश्नोत्तर करते हैं और सब लोगों का नॉलेज रहता है, जनरल नॉलेज, कब क्या हुआ भारत के इतिहास में, कौन कब मारा गया, दैट्स ऑल गुड। पर हमारा सबसे महत्वपूर्ण इतिहास यही है, भगवान और भक्तों के बीच में जो संबंध है उनका जिंदगी जानने के लिए उत्साह होनी चाहिए। परपोट एग्जैक्टली एज शौनक ऋषि इंक्वायर्ड ऑफ सुत गोस्वामी एंड सुत गोस्वामी रिप्लाइड, सो शिला सुखदेव गोस्वामी रिप्लाइड टू किंग परीक्षित स्पष्ट। तो ये देखिए भागवतम कितना परंपरा में है, परफेक्ट परंपरा में। दूसरे स्कंद के अंत में शौनकादि ऋषि एग्जैक्टली यही प्रश्न पूछ रहे हैं, जो भी परीक्षित पूछ रहे हैं सेम प्रश्न शौनकादि ऋषि पूछते हैं सुत गोस्वामी को। विदुर और मैत्रेय ऋषि कब मिले, कहां पे मिले, उनके बीच में क्या वार्तालाप हुआ, तो सुत गोस्वामी उत्तर देते हुए बोलते हैं अरे आप लोगों को लग रहा है कि आप पहले बार प्रश्न पूछ रहे हो, ये प्रश्न ऑलरेडी पूछा गया है, परीक्षित महाराज ने यही प्रश्न पूछा था सुखदेव गोस्वामी को, तो इसलिए मुझे अलग सा उत्तर देने की जरूरत नहीं है, वही उत्तर जो सुखदेव गोस्वामी ने दिया परीक्षित को वही उत्तर मैं आपको दूंगा। इसलिए हमको लग सकता है कि हम बहुत बुद्धिमान है, मैं ऐसा प्रश्न पूछूंगा अब तक किसी ने नहीं पूछा, ऐसा कुछ प्रश्न है ही नहीं, जो भी हमारे दिमाग में प्रश्न आता है वो प्रश्न उत्तर ऑलरेडी शास्त्रों में है। इसलिए हमको खोल के पढ़ना है, वी जस्ट हैव टू रीड। तो बहुत बार भक्त आते थे प्रभुपाद को, प्रभुपाद मेरे पास ये प्रश्न है, प्रभुपाद बोले पुस्तक पढ़ो, आपके जो प्रश्न है ना वो सब प्रश्नों के उत्तर ऑलरेडी है पुस्तक में, पुस्तक पढ़ो मिलेंगे। इसलिए हमको घाई नहीं करना है प्रश्नों, हम पुस्तक पढ़ेंगे शास्त्र, जितने भी हमारे प्रश्न हैं हमसे बहुत बुद्धिमान महान संत आके चले गए हैं, उन सब लोगों ने यह प्रश्न पूछा है और उनका ऑलरेडी उत्तर है। तो प्रभुपाद यहां पर लिख रहे हैं दिस इज परंपरा सिस्टम, एग्जैक्टली वही प्रश्न जो शौनकादि ऋषि सुत गोस्वामी को पूछते हैं वही प्रश्न परीक्षित सुखदेव गोस्वामी को पूछ रहे हैं। द किंग वॉज वेरी एंशियस टू अंडरस्टैंड द मीनिंगफुल डिस्कशन दैट टुक प्लेस बिटवीन टू ग्रेट सोल्स। तो परीक्षित महाराज बहुत उत्सुक हैं मीनिंगफुल डिस्कशन, क्योंकि उनको पता है दो महान संत जब साथ में आते हैं इधर उधर की बातें नहीं होती, कुछ तो महान चीज के बारे में चर्चा हो रहा है और वो वार्तालाप सुन के फायदा होगा। इसलिए प्रॉपर यहां पर लिख रहे हैं मीनिंगफुल डिस्कशन। तो परीक्षित महाराज सुनना चाहते हैं मैत्रेय ऋषि और विदुर के बीच में जो संवाद, मीटिंग ऑफ टू ग्रेट सोल्स, ये दो महान संत आके क्या उनके बीच में मंथन हुआ, क्या चर्चा हुआ, मुझे वो सुनना है, वो सुनने का मुझे जिज्ञासा है। सो विल स्टॉप।